बड़े नखरे हो गए आजकल तुम्हारे, वैसे भी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन अच्छे लग रहे हो आज। जिस किस्म के तुम मैसेज मुझे कर रही हो ना, दिल चाहता है अपना सर दीवार पे मार दूं। उसके लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती है, वो तुम्हारे अंदर। बस कर दो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। ये रूहानिया तुम दोनों के साथ? अगर तुम्हें इतना याद आ रहा है, इसको कॉल करके बुला लो। नो थैंक यू। वैसे क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पे? तुमसे फिल्म के बारे में बात करनी थी। तो मुझसे क्या बात करनी है? वो तुमसे पूछना था, तुम हमारी फिल्म में काम करोगे क्या? नहीं। इतना एटीट्यूड कब से आ गया तुम्हारे अंदर? वैसे तुम मसल में नहीं करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ज्यादा तुम लोगों को अपने सिनेमा हॉल में प्रीमियर करने की इजाजत दे दूंगा। ये क्यों इतना स्टबर्न हुआ वे? क्या हो गया दानिश? यार तुम लोग इसको छोड़ो, इसका तो दिमाग खराब हो गया। मैं तुम लोग की मूवी में वार्डरोब करूंगी। यस डन। आप ही कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रोहान कर रहा है, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद। तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हिम, आई थिंक वो अच्छी फिल्म बनाएगा। फिल्म नहीं कार्टून, ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना तो दूर की बात है, मैं तो उसे देखना ही पसंद नहीं करूंगा। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मुझे पता था अगर मैं तुमसे डायरेक्टली बात करूंगी ना, तो मुझे ऐसे ही सड़ा हुआ जवाब मिलेगा। तुमसे या तो बाबा या तो दादो बात कर रहे हैं, तो तुम ठीक रहोगे। चलो ने। अरे किधर भाई, आइसक्रीम लाएंगे? ये आइसक्रीम आप इसी को ही खिलाएंगी? पता नहीं इसके दिमाग में आग लगी हुई है, क्या क्या सोच रहा है आजकल। आइसक्रीम खिलाएं, ठंडा करें इसके दिमाग को। और सुनो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे देना, वरना मैं। वरना क्या है? क्या वरना? क्या वरना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे यार रुक तो जाओ ना। क्यों है दानिश, अच्छी क्यूट लड़की है, आई लाइक हर। आप ही अच्छी भली थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। अच्छा सच बताओ, तुम वाकई उसकी मूवी में हेल्प नहीं करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता।